I've fallen in love with I Love. I love you. Bole, wow. दुल्हन की आंखों में आंसू, ये तो आंसुओं की रुत ही नहीं, फिर ये आंसू क्यों? आंसू की इस बूंद की कहानी, या ये जाने, या सूर्यदेव, या फिर मैं, क्योंकि मैं तो वहीं था। इसने मथुरा के वृष्णवंशी राजा शूरसेन के राजमहल में जन्म लिया था। वहां इसका नाम प्रिथा रखा गया था, परंतु जब मथुरा नरेश ने प्रिथा को अपने वंशहीन भाई कुंतीभोज की गोद में डाल दिया, तो वहां जाकर इसका नाम कुंती पड़ गया। कुंतीभोज के प्यार की धूप छांव में कुंती को उसका रंग रूप मिला। उन्हीं दिनों ऋषि दुर्वासा कुंतीभोज के राजमहल में पधारे। क्या मेरा यहां कोई स्वागत नहीं? क्या हम यहां इतने अप्रिय हैं? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आपकी चरण धूलि से कुंतीभोज का यह राजमहल धन्य हो गया प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। यह मेरी पुत्री कुंती है। सौभाग्यवती भवा। मेरा सौभाग्य तो आपकी सेवा में ही है ऋषिवर। ऋषिवर, स्त्री की पृथ्वी पर क्या महत्ता है? पुत्री, संसार में स्त्री का बहुत उच्च स्थान है। वास्तव में स्त्री ही संसार की जननी है। हम तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुए राजकुमारी। मांगो, हम तुम्हें क्या वरदान दें? ऋषिवर, आप तो भविष्य में झांक सकते हैं। मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जो भविष्य में मेरे काम आए। अच्छा, तो हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं जिसके जप करने से तुम देवलोक से जिसे भी बुलाना चाहोगी उसे आना ही पड़ेगा। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक ऐसा अमोघ वशीकरण मंत्र दिया जो वश में न आने वाले देवों को भी वरदान देने के लिए विवश कर दे।
कुंती एकांत में अनेक बार ऋषि का कथनानुकथन स्मरण करती और सोचती, क्या ये सब वास्तविक है? देव तो कहीं दिखते नहीं, क्या सचमुच उनका साक्षात्कार संभव है? सोच विचार में डूबी हुई कुंती को माता का एक आदेश याद आया और उसने सूर्य नारायण को जल दिया। सायंकाल उसने फिर सूर्य को देखा। वो दृश्य के प्रति आकर्षित हुई और एकाएक उसके मन को विवश करने वाला कौतूहल जागा। तो हम तुम्हें ऐसा मंत्र देते हैं जिसके जप करने से तुम देवलोक से जिसे भी बुलाना चाहोगी उसे आना ही पड़ेगा। क्या यह सत्य हो सकता है? उसने हठात मंत्र का प्रयोग कर दिया। क्यों बुलाया प्रथा? क्षमा चाहती हूँ देव, ऋषि दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया था, मैं तो बस उसी की जांच कर रही थी, परंतु देव आप तो सचमुच प्रकट हो गए। क्षमा चाहती हूँ देव, आपको कष्ट हुआ, कृपया आप वापस लौट जाइए। मैं दुर्वासा के मंत्र का फल दिए बिना नहीं लौट सकता, विवश हूं, क्योंकि मंत्र अमोघ है। यदि यह व्यर्थ हुआ तो सृष्टि का सूक्ष्म संतुलन ही डामाडोल हो जाएगा। तो आपको जो देना है वो देकर आप लौट जाइए देव, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। हाँ, परंतु सूर्य देव, मैं तो एक कुंवारी कन्या हूं, मैं अपने पिता और समाज को क्या मुंह दिखलाऊंगी? चिंता न करो, तुम्हारे कौमार्य को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। तुम्हारा पुत्र हमारे कवच और कुंडल सहित जन्म लेगा। वो दानवीर कर्ण के नाम से त्रिलोक में प्रसिद्ध होगा।
सूर्य देव तो वरदान दिए बिना जा नहीं सकते थे, तो वे कुंवारी कुंती की गोद में एक बच्चा रखकर चले गए। बच्चे ने तो जीवन का सामना करने के लिए कवच पहन रखा था, परंतु कुंती के कौमार्य के पास तो कोई कवच नहीं था। वो क्या जवाब देगी, क्या कहेगी समाज से कि कुमारी कुंती मां कैसे बन गई? सीता जैसी देवी की पवित्रता को संदेह से देखने वाला समाज भला उसकी बात क्यों सुनेगा? तो फिर यह कुंती क्या करे, कहां छिपाए इस पुत्र को जिसे वो अपना पुत्र कह भी नहीं सकती? अपना दान अपनी मां से आरंभ करो दानवीर करण। अपनी मां को क्षमा कर दो, अपनी मां को क्षमा कर दो। आचार्यवर की सेवा में अधीरथ का प्रणाम। तुम तो महाराज के सारथी हुआ करते थे। जी आचार्यवर। ये तुम्हारा पुत्र है? जी आचार्यवर। क्या नाम है तुम्हारा? राधेय। राधेय? राधेय क्यों? इसकी मां का नाम राधा है। तुम्हारा नाम तुम्हारे मुखमंडल के तेज से मेल नहीं खाता है वत्स। तुम्हारे मुखड़े पर तो सूर्य का तेज है, तुम इसका नाम करण रखो। जो आज्ञा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? ये शस्त्र विद्या सीखने की हट कर रहा आचार्यवर, और शस्त्र विद्या के लिए कोई पिता अपने पुत्र को आपके सिवा और कहां ले जा सकता है? मैं इसे विद्या दान देकर अति प्रसन्न होता अधीरथ। क्षमा चाहता हूँ आचार्यवर, मैं दान नहीं लेता और विद्या दान में देवी नहीं जा सकती। आयुष्मान भावा, परंतु इस गुरुकुल में राजपुत्रों क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं दी जा सकती है, और तुम्हारा पुत्र कर्ण इन दोनों कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। अधीरथ तुम्हें इसके लिए कोई और गुरु ढूंढना होगा। तो क्या शिक्षा दाय आचार्यवर? क्या माता सरस्वती पहले पिता का नाम पूछती? कर्ण, संसार चाहे मुझे जिस नाम से पुकारे बाबा, परंतु आप मुझे राधे कहा कीजिए। आपके मुंह से कर्ण सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपका कोई लगता ही नहीं।
क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? अवश्य। ये युवक कौन है? ये मेरा पुत्र है, अश्वत्थामा। अर्थात ना तो ये राजपुत्र है और ना ही क्षत्रिय। प्रणाम आचार्यवर। इसके लाखपन पर से क्षमा कर दीजिए गुरुवर। अब विश्राम करो वत्स। गुरुदेव, श्रेष्ठ धनुर्धर भव, आओ। ये वो परशुराम जी हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि बार बार अत्याचारी क्षत्रियों के विरोध में शस्त्र उठाए और भारतवर्ष को लगभग क्षत्रियों से सूना कर दिया और जीती हुई पृथ्वी प्रजापति कश्यप को समर्पित कर दी। प्रजापति के पुत्र सूर्य और सूर्य से सूर्य वंश, और जब उस सूर्य वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया तब उन्हें विष्णु का धनुष देकर इन्होंने अवकाश ले लिया। परंतु गंगा पुत्र देवव्रत के सिवा किसी क्षत्रिय को अपना शिष्य नहीं बनाया। वाण में धनुर्धर के प्राण होते हैं कर्ण, अर्थात ये धनुर्धर का पहला कर्तव्य है कि वो अपने वाणों को अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय का साथ देकर कभी अपमानित ना करे। क्योंकि यदि कोई धनुर्धर अपना ये कर्तव्य भूल जाएगा तो उसी क्षण उसके तुणीर के सारे वाण निष्प्राण हो जाएंगे और विद्या उसके पास से यूं चली जाएगी जैसे इससे पहले उसके पास कभी रही ही ना हो। गंगा पुत्र देवव्रत के पश्चात आज तक किसी गुरु को तुम जैसा योग्य शिष्य नहीं मिला कर्ण, परंतु यदि तुमने वाणों की मर्यादा भंग की तो गुरु दक्षिणा में दी हुई मैं अपनी सारी शिक्षा तुमसे उस समय वापस ले लूंगा जिस समय तुम्हें उसकी बड़ी आवश्यकता होगी। तुम यहां से जब भी जाओगे वत्स, गुरु दक्षिणा दिए बिना ही जाओगे। शिष्य सरल सत पात्र को फलता है गुरु ज्ञान, गुरु की राखे आन जो रहे उसी की आन, रहे उसी की आन। आचार्य कुछ कहने को उठे हैं। हस्तिनापुर निवासियों, आज जो मैं कह रहा हूं वो केवल इसलिए नहीं कि कुंती पुत्र अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है कि आज अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं है। अरे आचार्य, है
परीक्षा लिए बिना किसी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कह देना आपको शोभा नहीं देता। अर्जुन के सभी गुणों में से केवल एक गुण मेरे पास नहीं, और वो गुण यह है कि मैं आपका शिष्य नहीं हूं। यदि मैं आपका शिष्य रहा होता तो आप अब तक मेरा अंगूठा भी कटवा चुके होते। उस अंगूठे में मुझे हस्तिनापुर की ओर चलने वाले वाणों के अंकुर दिखाई दे रहे थे धनुर्धर। तब तो मेरा अंगूठा बच गया, क्योंकि हस्तिनापुर तो मेरे लिए आदरणीय है और सदैव आदरणीय रहेगा। मैं हस्तिनापुर, हस्तिनापुर नरेश, पितामह भीष्म, कुलगुरु कृपाचार्य और आपको प्रणाम करता हूं। इस माला से तो परशुराम जी की सुगंध आ रही। ऐसा धनुर्धर कौन हो सकता है विदुर? यदि प्रतियोगिता निश्चित हुई महाराज तो कुलगुरु कृपाचार्य स्वयं उनसे प्रश्न करेंगे। किस सोच में पड़ गए आचार्य? क्या आप अपने प्रिय शिष्य को इस योग्य नहीं समझते कि वो मेरा सामना कर सके? ये देखिए, मेरे पास धनुष भी है और तुनीर में वाण भी, और मैं इस भरी रंग भूमि में आपके शिष्य अर्जुन को ललकार रहा हूं। इस प्रतियोगिता के पश्चात स्वयं हस्तिनापुर यह निर्णय लेगा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। यदि आज्ञा हो तो मैं अपने बाणों से इस अभिमानी के होंठों को सीधो गुरुदेव। अर्जुन, क्षमा चाहता हूं कुलगुरु। आगे आओ धनुर्धर। ये कुरुकुल के राजकुमारों की रंगभूमि है धनुर्धर। कुरुकुल के गुरुदेव, रंगभूमि सार्वजनिक है और मैं इस रंगभूमि में सार्वजनिक घोषणा करता हूं कि या तो मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया जाए या फिर कुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मेरे साथ द्वंद युद्ध करके ये सिद्ध करे कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने के योग्य है। धनुर्धर, जिस धनुर्धर को तुमने ललकारा है पहले मैं उससे तुम्हारा परिचय करवा दूं। ये चंद्रवंशी राजकुमार अर्जुन है जो महाराज पांडु का पुत्र है, महारानी कुंती जिसकी माता है और आचार्य द्रोण जिसके गुरु। अब तुम बताओ धनुर्धर, तुम्हारा परिचय क्या है? जाने जो बोले नहीं, जो बोले अनजान, कर्ण स्वयं कैसे कहे क्या उसकी पहचान, क्या उसकी पहचान। धनुर्धारी, लगता है तुमने मेरा प्रश्न सुना नहीं। मैंने अभी अभी अर्जुन का परिचय देकर तुमसे पूछा था कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम किस वंश के हो। मेरा धनुष मेरा परिचय है और वाण मेरी पहचान है। इतने परिचय से रणभूमि में तो काम चल सकता है धनुर्धर, परंतु रंगभूमि में नहीं। यदि तुम क्षत्रिय राजकुमार नहीं हो तो इस रंगभूमि में अर्जुन को नहीं ललकार सकते। इसलिए या तो अपना परिचय दो या फिर शांत हो जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं कुलगुरु? सूर्य स्वयं अपनी पहचान है, चंद्रमा स्वयं अपना परिचय है। क्या कोई हिरणी सिंह को जन्म दे सकती है? यह निसंदेह क्षत्रिय है और इसे किसी वीर माता ने ही जन्म दिया है। ये मैंने कब कहा कि यह क्षत्रिय नहीं है, लेकिन नियम फिर भी नियम होते हैं। द्वंद युद्ध के लिए किसी राजकुमार को राजकुमार या फिर राजा ही ललकार सकता है। और कोई अपने माता पिता का परिचय देने से घबराए ही क्यों? धनुर्धर, मैं तुमसे तुम्हारे माता पिता का नाम नहीं पूछूंगा। मैं तुमसे यह भी नहीं पूछूंगा कि तुम किसके वंशज हो। मेरे लिए तुम्हारा इतना परिचय ही बहुत है कि तुम केवल वीर ही नहीं महावीर हो।
और तुम्हें किसी और परिचय की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु यदि कुल गुरु ये कह रहे हैं कि नियम के अनुसार अर्जुन को ललकारने का अधिकार तुम्हें तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम ये सिद्ध कर दो कि तुम राजा हो या राजकुमार, तो यही सही। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कुलगुरु कि कभी वो दिन भी आ सकता है जब हस्तिनापुर अपने आंगन में खड़े हुए किसी महावीर के लिए आंखें बिछाने की जगह उसका अपमान करेगा। परंतु आज का दिन वही दिन है और मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कुलगुरु कि ये धनुर्धर कौन है, पर मैं इतना अवश्य जानता हूं कि ये वीर पुत्र है। और आप सबके संतोष के लिए आज मैं अपने उन अधिकारों का प्रयोग करूंगा जो मुझे मेरे पूज्य पिताश्री से मिले हुए हैं और पितामह जिनके साक्षी हैं। तुम्हारा नाम क्या है धनुर्धर? मेरा नाम कर्ण है। अंग देश का राज्य मेरे अधिकार में है कुलगुरु, और मैं आज अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। अंग राज कर्ण की जय। मित्र दुर्योधन, तुम्हारे इस अनुग्रह का ऋण तो मैं अपने प्राणों से भी नहीं चुका सकता। आज से मेरा जीवन तुम्हारे लिए, मेरी निष्ठा तुम्हारे लिए, और मेरी मृत्यु भी तुम्हारे लिए होगी। मेरे मित्र करण के राज्याभिषेक का आयोजन किया जाए कुलगुरु। तुम्हारी शिक्षा तो समाप्त हो चुकी है वत्स, अब गुरु से बिछड़ने का समय आ गया है। आपने तो यह कह दिया था गुरुवर कि मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना ही चला जाऊं, परंतु मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे चला जाऊं? तुम्हें शिक्षा देने में जो मुझे आनंद मिला उसी को गुरु दक्षिणा मान लो वत्स। तुम्हारे जैसे योग्य शिष्य कहां मिलते हैं आजकल किसी गुरु को। किंतु यह सदैव याद रखना कि तुम एक ब्राह्मण हो और क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि तुम ये देखो कि क्षत्रिय अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनका विरोध करो, जैसे मैंने किया था। तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की वत्स? यदि मैं अपनी रक्षा करता
तो आपके विश्राम की रक्षा नहीं कर पाता गुरुवर। विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती कर्ण। मैंने क्या झूठ बोला गुरुवर? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, कौन हो तुम? क्योंकि ब्राह्मणों में यह सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मण बनकर मुझसे शिक्षा ग्रहण करते रहे। मैं तो एक सूत पुत्र हूं। नहीं, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। यह सहन शक्ति क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और में हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब यह विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। हे कर्ण, प्रणाम। आयुष्मान भव। आप मुझे यह आशीर्वाद न दीजिए ब्राह्मण देवता, किंतु आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मैं दूसरे ब्राह्मणों की भांति तुमसे धन मांगने नहीं आया। इससे क्या होता है? आप यदि कुछ मांगने ही आए हैं तो मैं आपकी मांग अवश्य पूरी करूंगा। कहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा कवच चाहिए, तुम्हारे कुंडल चाहिए। ये दोनों वस्तुएं तो मेरे शरीर का भाग हैं। आप मेरे दूसरे अस्त्र शस्त्र ले लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो सुना है तुम बड़े दानवीर हो। ये दूसरा प्रणाम किस लिए? पहला प्रणाम ब्राह्मण के लिए था और यह दूसरा प्रणाम इंद्रदेव के लिए है। परंतु आप चिंता न कीजिए, मैं ये जानता हूं कि आप मुझसे मेरा कवच और मेरे कुंडल क्यों मांग रहे हैं। किंतु हे इंद्रदेव, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। आपने मुझसे मांगा ही ऐसे समय है कि मैं आपको ना नहीं कर सकता। यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं ही एक ऐसा मानव हूं जिसके आगे स्वयं देवराज इंद्र हाथ फैला रहे हैं। कर्ण, कदाचित परमपिता ब्रह्मा के लिए तुम जैसा कोई और दानवीर बनाना संभव नहीं। सूर्यदेव ने तुम्हें बता दिया था कि मैं आने वाला हूं। उन्होंने तुम्हें यह भी बताया था कि मैं तुमसे क्या मांगने वाला हूं। फिर भी तुमने इस पल को पीठ न दिखाई। तुमने न केवल इस पल का सामना किया बल्कि उसे पराजित किया। कोई
वर मांगो वत्स, जो चीज चाहे मांगो, इंद्र ना नहीं करेगा। हे भगवान, कुछ देने के उपरांत कुछ मांग लेना सभ्यता के विरुद्ध है। यदि कुछ मांग लिया तो फिर मेरे देने का अर्थ निकल जाएगा, उसका यश भंग हो जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं भगवान, किंतु मैं इस समय आपसे कुछ मांगकर दान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। परंतु आपको वर्तमान और भविष्य की परिनिंदा से बचाने के लिए अवश्य मैं कुछ मांगूंगा। यदि उचित जानिए तो मुझे शक्ति दीजिए, शक्ति। तथास्तु। ये लो। किंतु तुम इसका प्रयोग एक बार कर सकते हो, फिर मेरा अस्त्र मेरे पास लौट आएगा। मैं इसका प्रयोग दो बार करना भी नहीं चाहता हूं भगवान, क्योंकि संसार में केवल मेरा एक ही शत्रु है, एक ही। जन्म जात कुंडल कवच थे अंगों के अंग, वही काट कर दे दिए अद्भुत दिव्य प्रसंग। सीख हम बीते युगों से नए युग का, करे स्वागत। आप इतने उदास न हो महात्मा, क्योंकि जो होने जा रहा है उसे रोकना आपके वश में नहीं है। किंतु आपके वश में तो है केशव। नहीं महात्मा, जो होने जा रहा है उसे रोकना मेरे वश में भी नहीं है, क्योंकि किसी के कर्म पर तो मेरा अधिकार नहीं है ना। मैं समझा सकता था, मैंने समझाया भी, किंतु जिन्हें समझा रहा था उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, जिन्हें मार्गदर्शन करा रहा था उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए है महात्मा, जो हो रहा है उसे देखिए और सहन कीजिए। होनी का उत्तरदायित्व भी आप पर नहीं है। सच पूछिए तो होनी का उत्तरदायित्व दुर्योधन पर भी नहीं है। उत्तरदायी हैं महाराज धृतराष्ट्र, केवल महाराज धृतराष्ट्र, क्योंकि वृक्ष तो वही है, दुर्योधन तो केवल उस वृक्ष का एक फल है। परंतु मेरा हस्तिनापुर महाराज के कर्मों का फल तो नहीं है ना केशव। है कैसे नहीं महात्मा, क्या द्यूत क्रीड़ा भवन में आकर हस्तिनापुर ने गंधार नरेश शकुनी का हाथ पकड़ा? क्या राजसभा में आकर हस्तिनापुर ने उस दुशासन का हाथ पकड़ा जो द्रौपदी वस्त्र हरण कर रहा था? क्या उसने द्रौपदी को वेश्या कहने वाली कर्ण की उस जीभ को काटने का प्रयत्न किया? यदि नहीं तो हस्तिनापुर को भी कौरवों के दुर्भाग्य में भागीदार बनना ही पड़ेगा। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम। प्रणाम महात्मा विदुर। आयुष्मान भव। प्रणाम सात्यकी। प्रणाम कृत वर्मा। इधर से कहीं जा रहे थे और हमें देखकर रुक गए, या यहीं आ रहे थे? मैं अपने मित्र दुर्योधन की असभ्यता पर क्षमा मांगने आया हूं वासुदेव। अपनी असभ्यता पर मनुष्य को स्वयं अपने आप से क्षमा मांगनी चाहिए। मेरा तो अपमान हुआ ही नहीं, अपमान तो हुआ स्वयं दुर्योधन का, अपमान हुआ हस्तिनापुर राजसभा का, तो उन्हें क्षमा करने वाला भला मैं कौन? फिर भी वासुदेव, वास्तव में दुर्योधन की ओर से क्षमा मांगने आए हैं तो थोड़ी दूर हमारे रथ में चलिए अंगराज। यदि आप मुझे अपना सारथी बनने का विशेष अधिकार दें तो अवश्य चलूंगा।
परंतु पहले एक वचन दीजिए कि आप मेरे रथ को हाँकते हुए अपने प्रिय मित्र दुर्योधन के शिविर में ले जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। आपकी आज्ञा के बिना भला कोई आपको कहाँ ले जा सकता है वासुदेव? सात्यकी, कृतवर्मा, आप थोड़ी दूर अंगराज के रथ में आइए। रथ रोकिए अंगराज। आइए अंगराज। आप लोग यहीं प्रतीक्षा कीजिए। आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा कर्ण कि यह देवकी पुत्र आपको कहां ले आया। आपके स्थान पर यदि कोई और होता तो अवश्य आश्चर्य करता। आप तो किसी के आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते वासुदेव। हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, सच्चरित्र। आपने जिसे धर्म माना कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया, तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो ये सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव, और ना ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। क्षत्रियों के समाज ने मुझे केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया ना कि मैं एक सूत पुत्र हूं, परंतु दुर्योधन ही एक अकेला क्षत्रिय है जिसने कभी भी मेरे और उसके बीच इस विशेषण की दूरी नहीं रखी। आज से बरसों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुश्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा। उसने मुझे अंग का राजा बनाकर मुझे यह अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। और यही कारण है देवकी नंदन कि जब कभी उसका मुझे कोई दोष दिखाई देने लगता है तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूं, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया परंतु वो मेरे लिए उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया परंतु जन्मते ही त्याग भी दिया। मैं दुखी होता हूं तो इन्हीं दोनों को दुखी देखकर, और सुखी भी होता हूं तो इन्हीं दोनों को सुखी देखकर। मेरे पास ना अपना कोई सुख है और ना ही कोई दुख। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई लगाव नहीं, किंतु मैं जब तक जीवित हूं मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और के लिए कोई स्थान नहीं बन सकता। यह ठीक है अंगराज कि कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं, सबसे भारी ऋण यही होता है। परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आन फंसे, तो क्या असत्य, अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर भी यह ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी ही रह जाना उचित नहीं है अंगराज? यह तो मुझे ऋण लेते समय ही कह देना चाहिए था ना वासुदेव। परंतु एक बार ऋणी हो गया तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, परिणाम जो भी हो। हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है। परंतु आप ये क्यों नहीं सोचते अंगराज कि दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था और वो अपने लिए अर्जुन का एक प्रतिद्वंद्वी मोल लेना चाह रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंग देश देकर आपको मोल ले लिया हो? हे वासुदेव, यदि उसने मुझे मोल भी ले लिया हो तब भी अपने को बेचा तो स्वयं मैंने ही था ना। कभी आप अपने जन्म, अपनी पहचान के विषय में सोचते हैं कर्ण?
यदि सोचू भी तो मिलेगा क्या? अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? जानता तो नहीं, किंतु अनुमान लगा सकता हूं। मेरी माता अवश्य किसी आदरणीय परिवार की पुत्री होंगी, कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट पर होगा। जब ही तो मेरे जन्म लेते ही मुझे सहजता से गंगा में बहा दिया, और मैं ये भी अनुमान लगा सकता हूं कि मेरी माता को अपने पुत्र से कहीं अधिक अपना यश प्रिय था। उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया और अपनी प्रतिष्ठा को संभाल के रख लिया, और अपनी माता को खोजने के लिए आपका हृदय भी नहीं मचला? जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो उसे खोजकर मैं करूंगा क्या? उसे पाकर भी मैं क्या करूंगा वासुदेव? और संभवतः मेरे जन्म के उपरांत किसी आदरणीय कुल में किसी महाराजा किसी दिग्विजय से उनका विवाह भी हो गया हो, और अब वो ऐसे पुत्रों की माता हूं जिन्हें त्यागने की आवश्यकता ही ना पड़ी हो। परंतु हे कृष्ण, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने अपनी माता की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधा है वासुदेव, और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूं, राधा है। किंतु आप अचानक मेरे अतीत की समाधि की ओर क्यों निकल गए? मैं तो उधर कभी जाता ही नहीं। वर्तमान की बात कीजिए वासुदेव, वर्तमान की। आपने ठीक ही अनुमान लगाया अंगराज। आपकी माता एक बहुत आदरणीय परिवार की पुत्री हैं, इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो समाज की परिनिंदा से वे डर गईं। आज वे कई पुत्रों की माता हैं, परंतु उनके हृदय में एक सन्नाटा है राधे। उनका हृदय एक रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान। वे दिन रात अपने उस पुत्र के विषय में सोचती रहती हैं जो कवच कुंडल पहने हुए जन्मा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं? क्या मेरा यह अनुमान भी ठीक है कि आप मेरी माता को जानते हैं? हे वासुदेव, क्या मेरी माता जीवित है? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। हे दानवीर, हे महारथी, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से तो गहरा नहीं होता ना वासुदेव। आपकी माता आपके अतिरिक्त 5 और महारथियों की माता हैं, और वो 5 महारथी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। 5 महारथी, 5। आप कहीं पांडवों की बात तो नहीं कर रहे? उनके अतिरिक्त ऐसे और कौन 5 योद्धा हैं कर्ण जिन्होंने पराजय का स्वाद न चखा हो? हाँ कुंती पुत्र, हाँ, मैं पांडवों की ही बात कर रहा हूं। मेरी बुआ कुंती आपकी माता हैं, और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। और मेरे पिता कौन है वासुदेव? आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं कर्ण।
मैं सूर्य पुत्र हूं? हां, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं वासुदेव? मैं सूर्य पुत्र करण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुंती पुत्र करण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। मैं तनिक सोचिए वासुदेव, मेरी पीड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए और इसका उपचार बताइए। हे देवकी नंदन, आप तो ये सब कुछ पहले से जानते रहे होंगे ना, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं वासुदेव? और आज मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं तो पांडवों के लिए अपनी घृणा की पूंजी लिए जी रहा था और अपने को धनी समझ रहा था। आपने मुझे ये सब कुछ बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? मुझसे मेरी घृणा छीन कर मुझे निहत्था क्यों कर दिया? क्यों आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपने वाणों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? हे मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से पहले ही हरा दिया। आपने ऐसा क्यों किया मधुसूदन, क्यों किया? हे मेरे प्रिय भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं ये नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडु पुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करे। आप बुआ कुंती के विवाह के पहले जन्म ले चुके थे, इसलिए नियमानुसार आप बुआ कुंती के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडव हैं कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव हैं। मेरे साथ चलिए कर्ण, इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा, आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे, अर्जुन आपका सारथी होगा और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलेंगे। स्वयं मैं कर्ण। हे प्रिय पांडु पुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक ये सब किसी ने देखा क्यों नहीं, कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मेरे साथ चलिए, मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार को। और इससे ऊपर ये कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपको अपनी माता मिल जाएगी। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। आपने उस ऋण के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव, नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं कि पांडव तो आपकी कृपा के सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं ये भी जानता हूं केशव कि कौरव सेना की पराजय निश्चित है, फिर भी मैं दुर्योधन ही के ध्वज तले युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है। हे मधुसूदन, अब जब यह जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले वाण तो नहीं भेज सकता ना?
फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन से युद्ध करूंगा। आप तो यह अच्छी तरह जानते थे ना कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्यागूंगा। फिर भी आपने मुझसे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। हे केशव, यदि आपने ऐसा ना किया होता तो अच्छा होता। तो अब आप मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे वीरगति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुजों को यह नहीं बताएंगे। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं तो वो अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा, और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। यदि उसने मुझे यह मुकुट दे दिया तो मैं अंग देश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर यह मुकुट रख दूंगा, और यह उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा, बड़ा अन्याय। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। पश्चिम से सूरज उगे, दिन बन जाए रात, किंतु कभी ना मित्र से कर्ण करेगा घात, कर्ण करेगा घात। प्रणाम देवी। आप उस वृक्ष की छाया में नीचे बैठकर बताइए देवी कि अधिरथ पुत्र राधा आपकी क्या सेवा कर सकता है। यहां बैठिए, लगता है धूप का अभ्यास नहीं है आपको। धूप तो स्वयं मेरे भीतर बहुत कड़ी है पुत्र, बहुत कड़ी है। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं। मैं जानता हूं देवी, मेरे पास जो भी आता है कुछ मांगने ही आता है, परंतु मांगने से पहले क्या आप मुझे अपना परिचय देंगी? क्योंकि जिस प्रकार आपने मांगा है वो मांगने वालों की शैली नहीं थी। मुझे ऐसा लगा जैसे आज आप पहली बार किसी से कुछ मांग रही हूं। यदि मांगना नहीं आता है देवी तो मांगिए मत, आदेश दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें आदेश देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें आदेश देने का तो अधिकार केवल तुम्हारी मां राधा को है। मैं उस देवी को प्रणाम करती हूं जिसे तुम जैसा पुत्र मां कहकर पुकारता होगा और उस मां का आशीर्वाद पाता होगा। क्या आप उन्हें जानती हैं? भारतवर्ष में ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता? भारतवर्ष की बात छोड़िए देवी, अपनी माता को तो स्वयं मैं भी नहीं जानता। मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था और बहा दिया था इसी गंगा में। परंतु जिस देवी का आपने अभी अभी नाम लिया है वो मेरी माता नहीं है, वो मेरी माता से कुछ अधिक है। वो लोरियां जिन्हें गा गा कर मुझे मेरी माता ने सुलाना चाहिए था, मैंने उसी देवी से सुनी है। उसी देवी के मृदुल हाथों ने मुझे थपथपाया है, उसी देवी की सुगंधित गोद में मुझे नींद भी आई है। आज भी जब मेरी आत्मा के घाव दुखने लगते हैं
तो वही देवी ममता का स्नेह लेप लगाती है, फिर भी मेरा जीवन एक शून्य सा लगता है। मेरे हृदय में उस माता का स्थान रिक्त है ना, जिसने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। कभी कभी जी चाहता है कि वो मुझे कहीं मिल जाएं और मैं उनके चरण स्पर्श के पश्चात उनसे ये पूछूं कि हे माता, मुझे मेरा दोष तो बताओ, मुझे ये तो बताओ कि मैं किस अपराध का दंड भुगत रहा हूं। और यदि तुम्हारी माता ने तुम्हें अपनी विवशता समझा दी तो क्या करोगे? विवशता? भगवान तो विवश हो भी सकते हैं देवी, किंतु माता कभी विवश नहीं हो सकती। माता भी विवश हो सकती है राधेया, माता भी विवश हो सकती है। मैं जानती हूं तुम्हारी माता की विवशता। आप जानती हैं मेरी माता की विवशता? हाँ। आप कैसे जानती हैं? मैं ऐसे जानती हूं कि क्योंकि मैं ही वो विवश माँ हूं जिसे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। आप? आप मेरी माता हैं? हाँ पुत्र। तो मैं इंद्रप्रस्थ की राजमाता को सादर प्रणाम करता हूं। पुत्र? मुझे पुत्र ना कहिए, मैं राधा का पुत्र राधा ही हूं, राधा ही। और आप राजमाता कुंती हैं, पांडवों जैसे महारथियों की माता। ये कैसे आश्चर्य की बात है कि राजमाता कुंती इस सूत पुत्र कर्ण के पास कुछ मांगने आई है। मांगिए महारानी कुंती, मांगिए। आपकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पुत्र? किंतु पुत्र कहकर ना मांगिए। क्यों ना मांगू पुत्र कहके? कर्ण तो मेरा पुत्र है, तो मेरा पुत्र। मैं तो तब भी आपका पुत्र था ना, जब आपने मुझे त्याग दिया था। और आज भी आपको मेरे लिए आपकी ममता नहीं लाई होगी मेरे पास। आपका कोई उद्देश्य लाया होगा मेरे पास, आपको आपका कोई स्वार्थ लाया होगा मेरे पास। तू दानवीर कर्ण है, इतना कठोर कैसे हो सकता है? इतना कठोर कैसे हो सकता है पुत्र? ये कठोरता नहीं है माता, ये कठोरता नहीं है, ये तो मेरे हृदय की पीड़ा है, पीड़ा। मेरे भाग की सारी ममता तो आपने उन तीन पुत्रों और माद्री पुत्रों में बांट दी, और आप मुझे कठोर भी कह रही हैं। इस सूर्य पुत्र कर्ण को संसार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा और आप चुप बैठी रही, और आज आपको अपना त्यागा हुआ पुत्र कैसे याद आ गया? अपने इस त्यागे अभागे पुत्र से क्या चाहिए आपको? जो कुछ मांगना है माता, मांगिए और शीघ्र ही राजभवन लौट जाइए, कि कहीं कोई आपको इस सूत पुत्र कर्ण के साथ देखकर पूछ न बैठे कि हे महारानी, आप इस सूत पुत्र के पास क्यों आई हैं? क्योंकि आप उस पूछने वाले से यह नहीं कह पाएंगी कि मैं किसी सूत पुत्र के पास नहीं आई हूं, मैं तो अपने पुत्र के पास आई हूं। आपकी जो विवशता उस दिन थी माताश्री, जिस दिन मैंने जन्म लिया था, वही विवशता आज भी है, आज भी। पल भर के लिए अपनी इस कड़वाहट के कवच को उतार दो कर्ण।
और ये सिर मेरी गोदी में रख दो, मेरी गोदी में रख दो पुत्र, ताकि मैं तुम्हारा सिर सहला सकूं पुत्र, कर्ण मेरे पुत्र। ये राधे का सिर है राजमाता, ये सूत पुत्र राधे का सिर है, ये आपकी गोद की योग्य नहीं है। मैं आपकी गोद में अपना सिर रखकर उसे अशुद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा ना कहो पुत्र, ऐसा ना कहो। मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं अपने आप को आपका पुत्र कहकर उस देवी की ममता का अपमान नहीं कर सकता राजमाता कुंती, जिसने मुझे आप बनकर पाला। आप यहां मेरी मां बनकर नहीं आई हैं, आप अर्जुन की ढाल बनकर आई हैं। यदि आप मेरी मां बनकर आती तो यहां ना आती। महात्मा विदुर के निवास स्थान से आप अपने रथ पर बैठती और अपने सारथी से कहती कि हे सारथी, मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के घर ले चलो। वहां रथ से उतरकर आप द्वारपाल को आदेश देती कि जाओ और जाकर कर्ण से कहो कि उसकी माता उसका माथा चूम कर उसे आशीर्वाद देने आए। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती। इसलिए आपने ऐसे समय और ऐसे स्थान का चुनाव किया जबकि आप जानती हैं कि मैं किसी मांगने वाले को रेते हाथ लौटा ही नहीं सकता। आप यहां मुझे अपने पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई, आप मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई है। इसलिए ये ममता का मुखौटा उतारिए और जो मांगना है मांगिए। क्या आपने उस दिन रंगभूमि में मेरा कवच और मेरे कुंडल देखकर मुझे पहचान नहीं लिया था? और यदि पहचान लिया था तो जब भीम और अर्जुन मुझे सूत पुत्र कह रहे थे तो आपने उन्हें टोका क्यों नहीं? आपने उनसे यह क्यों नहीं कहा कि वे राधे के विषय में ऐसी असभ्य बातें न कहें, क्योंकि ये तो राधे है ही नहीं। कौरवों की भरी सभा में मेरे दोनों अनुजों से आपने ये क्यों नहीं कहा कि जिसे वे सूत पुत्र कह रहे हैं वह सूत पुत्र नहीं है, उन्हीं की भांति कौंतेय है? आपने उन्हें आदेश क्यों नहीं दिया कि वे मेरे चरण स्पर्श करके मुझसे आशीर्वाद लें कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूं? ऐसा नहीं है माते, ऐसा कदाचित नहीं है कि मैं उस माता के लिए बिलखना हूं जिसने मुझे जन्म देकर त्याग दिया था। मैं आपके विषय में सोचता रहता कि आप कैसी होंगी। मेरी कल्पना कभी आपका कोई रूप बनाती और कभी कोई। मैं तरसता रहा हूं इन चरणों के स्पर्श के लिए। कभी कभी यह सोचकर मैं रो भी लिया करता था कि ऐसी ही कोई विवशता रही होगी कि मेरी माता ने मुझे त्यागने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ना पाया। नहीं तो कोई मां अपने बच्चे को त्याग सकती है भला? यही सोचकर मेरे हृदय की पीड़ा कम हो जाया करती थी, परंतु आज आपने ममता को राजनीति बनाकर मेरे हृदय के सारे घाव हरे कर दिए हैं। आप ममता लेकर नहीं आई हैं मेरे पास, आप कटोरे में ममता के चांद की छाया लेकर आई हैं मेरे पास। आज तो आपने अन्याय की हर सीमा पार कर दी माता, हर सीमा पार कर दी। माता माता माता, ये शब्द गुड़ की टली की भांति मेरे मुंह में पिघला जा रहा है। जानती हैं आप, जानती हैं कि मेरा सारा लड़कपन आपको माता कहने के लिए तरसता बीत गया, परंतु आपकी ममता तो अपने पांच पुत्रों में संतुष्ट रही ना, और आप आज अपनी गोद में मुझे अपना सिर रखने का अधिकार देने आई हैं, जबकि आप भली भांति जानती हैं कि आपका यह अभागा पुत्र इस सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकता। जब मुझे आपकी आवश्यकता थी तब तो आप मुझे मिली नहीं, आपने मुझे अपमानों के कटीले वन में भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया और मुझे लहू लहान होता देखती रही। तो आज जब आपको अपने पुत्रों के लिए इस त्यागे हुए पुत्र की आवश्यकता है तो वो आपको क्यों मिले? बताइए माता, वो आपको क्यों मिले? क्यों बताइए माता, वो आपको क्यों मिले? क्यों बताइए क्यों मिले?
मेरे पुत्र कर्ण। आपके आंसुओं की गंगा में स्नान करके मैं तो धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। अब बतलाइए कि इस राधे के लिए क्या आदेश है? नहीं कर्ण, तुम राधे नहीं, तुम कौंतेय हो पुत्र, कौंतेय, मेरे ज्येष्ठ पुत्र, और तुम्हारी माता होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं संसार से कहूंगी कि मैं 5 नहीं, मैं 6 महारथियों की जननी हूं पुत्र। अब ये कहने से क्या होगा माते, कृपया मुझे राधे ही रहने दीजिए। ये राधे कुछ लोगों का ऋणी है माते, और राधे स्वयं अपने ऋण उतारेगा। इसलिए ये बताइए कि आप मुझसे क्या मांगने आई थी। निराश तो नहीं करोगे पुत्र? यदि आप जो कुछ मांग रही हैं वो देना मेरे वश में होगा तो आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। आदेश दीजिए। अब ये जान देने के पश्चात कि तुम जेश कौन तय हो, तुम्हारे लिए अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है पुत्र। मैं तुम्हें लेने आई हूं, अपने अनुजों के पास चलो, वो तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे और तुम इस संसार पर राज करोगे पुत्र। 2 दिनों में ये दूसरी बार है कि मुझे संसार पर राज करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कल यही उत्कोच वासुदेव देना चाह रहे थे और आज यही उत्कोच देने का प्रयत्न आप कर रही हैं? नहीं कर्ण, नहीं, ये उत्कोच नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है पुत्र, तुम्हारा अधिकार। मेरा हृदय मेरी अपनी उदासियों और कड़वाहटों से इतना भरा हुआ है कि अब उसमें किसी और मनोवृत्ति के लिए स्थान ही नहीं बचा। आपकी इस आज्ञा का पालन करना मेरे वश में नहीं है। किंतु क्यों नहीं है तुम्हारे वश में, क्यों नहीं है पुत्र? क्योंकि कौंतेय तो मैं अब बना हूं, समझिए कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। जो मैं कौंतेय बन गया तो इस सूत पुत्र राधे का ऋण कौन उतारेगा माते? जब मेरी माता न थी, जब मेरे अनुज न थे, जब इस संसार में मेरा कोई मित्र न था, तब दुर्योधन ने मुझे मित्र कहा था माते, तो क्या आपके इस पुत्र को यह शोभा देगा कि मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुजों के शिविर में चला जाऊं? यह आभार का ऋण है माते, मैं इस ऋण को चुकाए बिना तो भूलोक को भी नहीं त्यागना चाहता। वो मेरे भरोसे तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है, तो क्या मैं उसके पास जाकर उससे यह कहूं कि हे मित्र दुर्योधन, पांडव तो मेरे अनुज निकले, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। मेरे सिर पर गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का शाप तो है ही, इंद्रदेव आकर मेरा कवच और मेरा कुंडल मांग ले गए, और अब वासुदेव और आप दोनों ने मुझे निहत्था कर दिया। हे माते, फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए कदाचित उतना ही विवश हूं जितनी विवश आप मुझे त्यागने के लिए थी। परंतु हे माते, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी और मैं आपको दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, किंतु मैं आपको रीते हाथ नहीं जाने दूंगा। आप 5 पुत्रों की माता हैं और ये तो मेरे, आपके और सूर्यदेव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि आप 6 पुत्रों की माता हैं। तो हे माता, युद्ध का परिणाम जो भी हो,
आपके 5 पुत्र जीते अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीरगति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और यदि वो वीरगति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी माते, नहीं बिगड़ेगी। सदा ही पांच पुत्र सदा ही पांच। रुक जाओ महाराज, की जय हो। आज्ञा हो तो पड़ाव करने का आदेश दिया जाए महाराज। पिछले सप्ताह में एक बार भी हमें अपना पड़ाव डालने दिया है धर्मराज युधिष्ठिर ने? हम अपना पड़ाव डालकर उनके अतिथि सत्कार का अपमान नहीं कर सकते। आगे बढ़ो। महाराज की जय हो। हस्तिनापुर युवराज कौरव शिरोमणि गांधारी नंदन महारथी दुर्योधन उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। दुर्योधन, वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? मैं तो उसी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मद्र देश से निकला हूं। फिर भी यदि आ ही गया है तो युधिष्ठिर के उस अनुज को आदर सहित ले आया जाए। जो आज्ञा महाराज। एकांत, मामा श्री। आओ वत्स, आओ। धर्मराज युधिष्ठिर के इस शिविर में तुम्हारा स्वागत है। श्री श्री, धर्मराज युधिष्ठिर का शिविर? हाँ, उन्होंने तो हमें अपना पड़ाव डालने ही नहीं दिया। जहां दिन ढलने लगता है वहीं उनके सेवकों की एक सेना आ खड़ी होती है। मैंने तो आज तक ऐसा अतिथि सत्कार देखा ही नहीं। अब ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया नरेश। क्यों अनर्थ क्यों हो गया अंगराज? अनर्थ यूं हुआ है महाराज कि सेवा का वृक्ष लगाया युवराज दुर्योधन ने और उसका फल मिल रहा है ज्येष्ठ पांडु को। ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? सेवा कोई फल की लालसा में तो नहीं की जाती ना अंगराज? और फिर प्रिय दुर्योधन की सेवा का फल परिवार से कोई बाहर थोड़े ही जा रहा है। अरे जैसे ही नकुल और सहदेव के मामा, वैसे ही मेरे भांजे दुर्योधन के मामा है कि नहीं? महाराज, महाराज, आप किस चिंता में डूब गए भला? घी कहाँ गया? खिचड़ी में ही ना? और फिर युद्ध का ये तात्पर्य तो नहीं महाराज कि पांडव हमको पराये हो गए? नहीं नहीं,
अरे लाठी मारने से पानी अलग तो नहीं हो सकता ना महाराज, नहीं हो सकता ना। फिर भी तुम्हारे सेवकों को मुझे ये बता देना चाहिए था दुर्योधन कि वे तुम्हारे सेवक हैं। परंतु आपने उनसे ये तो कभी पूछा ही नहीं श्री श्री, आप तो हर पड़ाव पर केवल उनसे यही कहते रहे कि आप उनकी सेवा से अति प्रसन्न हैं और आप ज्येष्ठ भ्राताश्री से उनकी प्रशंसा करेंगे। किंतु मैं तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए निकला हूं वत्स। तो मैं आपको उनके पक्ष में युद्ध करने से कहां रोक रहा हूं श्री श्री, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य था, मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। किंतु चाहे वह अनजाने में हुआ हो, मैंने तुम्हारा अतिथि सत्कार स्वीकार किया है और इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दिए बिना तो जा ही नहीं सकता। कुछ मांग लो। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं श्री श्री, परंतु मैं अतिथि सत्कार का व्यापारी नहीं हूं और मैं उस सत्कार का मूल्य भी नहीं ले सकता, चाहे वो मूल्य आप अपने आशीर्वाद की मुद्राओं से ही क्यों ना चुकाना चाहते हो। तो फिर युद्ध करो, क्योंकि मैं तुम्हारे आभार का बोझ लेकर रणभूमि में नहीं उतर सकता। मैं आपसे एक बार और क्षमा चाहता हूं श्री श्री, आप मेरे अतिथि हैं और मैं आपसे अपने ही शिविर में युद्ध करके आतिथेय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब तो तुम्हें मुझसे कुछ मांगना ही पड़ेगा वत्स, मांगना ही पड़ेगा। अरे प्रिय दुर्योधन, ये आदेश है, आदेश, और अपनों से बड़ों का आदेश ना मानना सभ्यता का प्रकटन है, समझे? अरे अब तो तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा, चिंता ना करो भांजे। अरे जैसे मैं तुम्हारा मामा हूँ वैसे ये भी तुम्हारे मामा श्री है, मांग लो मांग लो। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं श्री श्री, तो आप अपने आशीर्वाद के रूप में हस्तिनापुर सेना के प्रधान सेनापति बनकर मुझे सम्मानित करें। हाँ महाराज। मैं गंगा पुत्र भीष्म के होते हुए ये पद स्वीकार नहीं कर सकता युवराज। तो फिर आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए। अर्जुन के सारथी वासुदेव होंगे महारथी शल्य, मुझे भी उतने ही उच्च कोटि का सारथी चाहिए। तो ऐसा सारथी पूरे संसार में आपके अतिरिक्त और कौन है? उधर से अर्जुन, इधर से मैं, उधर से वासुदेव, इधर से आप और सारा संसार साक्षी। इस युद्ध में मुझे गुरुश्रेष्ठ परशुराम की लाज रखनी है महाराज। मैं ये नहीं चाहता कि इतिहास ये कह सके कि आचार्य द्रोण का शिष्य अर्जुन धनुर्विद्या में परशुराम शिष्य कर्ण से श्रेष्ठ है। धनुष मेरे पास भी है राजन, और धनुष अर्जुन के पास भी है। बाण मेरे तुणीर में भी है और बाण उसके तुणीर में भी है। संधान में वो भी निपुण है और मैं भी, किंतु उसके पास वासुदेव जैसा सारथी है और वैसा सारथी मेरे पास नहीं। ठीक है अंगराज, ठीक है, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, क्योंकि अकेले तुम ही एक ऐसे योद्धा हो जो रणभूमि में अपने शत्रु के घरवाले के हाथ में अपने रथ के घोड़ों की लगाम देने का साहस कर सकता है। मैं तुम्हारी विनती को नकार कर तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
प्रणाम वासुदेव। प्रणाम। हम लोग यहां कल से आरंभ होने वाले युद्ध के नियम निश्चित करने आए थे, तो सोचा कि मैत्रीपूर्ण वातावरण की अंतिम रात है तो मिल मिला लूं उन लोगों से जो मुझे अच्छे लगते हैं। क्या उनमें से एक मैं भी हूं? निसंदेह कर्ण, निसंदेह। यदि ना होते तो मैं यहां आता ही क्यों? हे वासुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? गंगा पुत्र की युद्ध नीति मेरी समझ में नहीं आई कर्ण। आप ही सोचिए कि उनके और दोनों आचार्यों के उपरांत कौरव सेना का जो सबसे बड़ा योद्धा है उसे यह कहकर बिठला दिया कि जब तक वो प्रधान सेनापति रहेंगे तब तक वो युद्ध नहीं कर सकता। महारथी कर्ण युद्ध नहीं कर सकता। उनके पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो इसका तात्पर्य तो यही निकला ना कि सूर्य पुत्र कर्ण इस महायुद्ध से अलग ही रह गए। कदाचित अनुज अर्जुन का भाग्य उसकी रक्षा कर रहा है वासुदेव, क्योंकि यदि मैं युद्ध में भाग ले रहा होता तो मेरे इन हाथों मेरे उस अनुज का वध निश्चित था। क्या अर्जुन वध करके आप आनंद उपभोग करते सूर्यपुत्र? प्रश्न आनंद का नहीं है वासुदेव, प्रश्न ऋण चुकाने का है। किंतु जब आप युद्ध ही नहीं कर सकते तो ऋण उतारेंगे कैसे? यही तो मैं भी सोच रहा हूं वासुदेव। दुर्योधन के ऋण का भार मैं अपने दूसरे जन्म के कंधे पर नहीं डालना चाहता, पर मैं करूं क्या? यदि सेनापति मुझे युद्ध में भाग लेने की आज्ञा नहीं देंगे तो मैं यहीं बैठे बैठे युद्ध देखने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता हूं? हे कौंतेय, यदि युद्ध केवल देखना है तो अपने भाइयों के शिविर में बैठकर देखिए। आप जानते हैं वासुदेव, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों? आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हे वासुदेव, लोग कहेंगे कि मैं वीरगति को प्राप्त होने के डर से उधर चला गया। लोग ये भी कहेंगे कि राधेय ने कृतज्ञता के दायित्व का अपमान किया। जब मेरे साथ कोई नहीं था ना वासुदेव, तब केवल दुर्योधन ने मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था, और आज जब उसे मित्रों की आवश्यकता हुई तो मैं उसका हाथ छोड़कर उधर चला जाऊं? नहीं वासुदेव, नहीं। मैं अर्जुन के वाणों के घाव सहन कर सकता हूं, पर अपमान का यह घाव नहीं सहन कर सकता। इसलिए आप मुझसे उधर जाने के लिए ना कहिए, और यदि ये समस्त कारण ना भी होते तब भी मैं वहां नहीं जाता। ऐसा क्यों? वो द्रौपदी का शिविर है वासुदेव, मैं स्वयं नारायण का सामना कर सकता हूं किंतु सती का सामना नहीं कर सकता, जिस पर मेरी जीवा ने अश्लीलता का एक वाण चलाया था। उस दिन इस राधे को न जाने क्या हो गया था कि मैं उसका अपमान देखता भी रहा और उसका अपमान करता भी रहा। हे वासुदेव, अपने इस अपराध के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी क्षमा नहीं कर सकता। अपने अपराध का बोध मुक्ति का मार्ग खोलता है ज्येष्ठ कुंती पुत्र। अब आज्ञा दीजिए, मेरे वहां ना होने से सब चिंतित होंगे। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम।
और यदि अर्जुन से युद्ध का मार्ग खुल ही गया तो फिर महादेव उसकी रक्षा करें। मुझे बस एक दिन के लिए अपने शाप से मुक्त कर दीजिए। एक दिन के लिए। कल का ही तो एक दिन है कर्ण, कल का ही तो एक दिन है कर्ण, कल ही का तो एक दिन है कौंतेय कर्ण, बस कल ही का तो एक दिन है सूर्यपुत्र कर्ण, और इसी एक दिन के लिए ही तो मैंने तुम्हें शाप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजयी होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजयी हो भी गए तब भी कंगाल हो जाओगे। हे दानवीर, विजय पर पांडवों का अधिकार है और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो कर्ण, तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। मेरे आशीर्वाद की छाया में जाओ कर्ण। मर्त्यलोक हो चाहे स्वर्गलोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम का जय जयकार करेंगे। किंतु हे ब्राह्मण, पाप की परिभाषा यह है कि वो जानते पूछते किया गया हो। हे योद्धा, पाप वो होता है जो दूसरे के दुख का कारण बने। तुमने जाने में बाण चलाया हो या अनजाने में, परिणाम तो वही हुआ। मेरी गाय वहां बिलख रही है क्योंकि उसका बछड़ा यहां मरा पड़ा है। तो क्या उसके थनों का दूध तुम्हें शाप भी नहीं दे सकता? मुझे शाप ना दो ब्राह्मण, मुझे शाप ना दो। तो मेरी गाय को बछड़ा लौटा दो। हे योद्धा, तुम तो दानवीर हो, क्या ये जीवन दान दे सकते हो? हे महारथी, जिस रथ पर चढ़कर तुम इस बछड़े और इस ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो, वही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा। जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कर रहे होगे, भय का राक्षस तुम्हारे चारों ओर घूम रहा होगा, भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। प्रधान सेनापति की जय हो। महारानी ने संदेश भेजा है कि आप रणभूमि की ओर प्रस्थान करने से पहले उनकी सेवा में उपस्थित हों। Thank you.
युद्ध अपने बराबर वालों से किया जाता है कौंतेय। जाओ अपने शिविर लौट जाओ और अपने घावों पर स्नेह लेप लगाओ। जाओ आगे चलिए मद्र नरेश। क्या तुमने उसे मेरा भांजा समझ के छोड़ दिया अंगराज? नहीं मद्र नरेश, किंतु बड़े छोटों को डांटते हैं, उनका वध नहीं करते। आप मेरे रथ को युधिष्ठिर के रथ की ओर ले चलिए। वीरगति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, और यदि वो वीरगति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। तुम तो आचार्य द्रोण की सिखलाई हुई शस्त्र कला को बिल्कुल ही भूल चुके हो युधिष्ठिर, तो तुमसे मैं क्या युद्ध करूं? रथ आगे बढ़ाइए मद्र नरेश। मैं तो सोचता हूं अपने रथ को कहीं और निकाल ले चलूं प्रधान सेनापति। तुमने अभी गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनी अंगराज? आपने भी अभी तक मेरे विजय धनुष की टंकार नहीं सुनी है मद्र नरेश, किंतु सामने का दृश्य बड़ा ही सुंदर है। चार श्वेत अश्वों वाला रथ, उस पर वासुदेव जैसा सारथी और अर्जुन जैसा रथी, और ये सुंदर दृश्य महादेव के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता है। तो तुम क्या भयभीत होने लगे अंगराज? वो काठ के योद्धा होते हैं मद्र नरेश, जो भयभीत नहीं होते। साधारण वाणों के रुके नहीं रुकेगा। आप देख रहे हैं मद्र नरेश, आप सच कहते थे कि अर्जुन फिर अर्जुन है। मेरे वाण चलाने से पहले वो अपनी प्रत्यंचा बदल लेता है, परंतु ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है।
प्रतिद्वंद्वी दिव्यास्त्रों के योग्य है पार्थ। दिव्यास्त्र चलाओ। जो आज्ञा केशव। हे ब्राह्मण, तुम मेरे रथ के पहिए को धरती में धसा सकते हो, लेकिन मेरे धनुष से चलने वाले ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकते। ओम ब्रह्माय नमः। तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धस गया है। मैं उसे निकालने के लिए उतर रहा हूं, इसलिए अपने वाणों को रोक लो। क्या रहे हो पार्थ? मैं रथ पर हूं केशव, और वो पैदल है। युद्ध में रथ तो टूटते रहते हैं पार्थ, वो महारथी है, दूसरे रथ पर क्यों नहीं जाता? ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है केशव। अंगराज कर्ण ने कब युद्ध नियमों का पालन किया था पार्थ, कि आज तुम युद्ध नियमों के पालन पर उतर आए हो? वो दुर्योधन के हर कपट का भागीदार है पार्थ। भूल गए वो दिन, भूल गए वो कुरु राजसभा, जब इसी अंगराज कर्ण ने भरत कुलवधु द्रौपदी को वेश्या कहा था? भूल गए 4 दिन पहले की वो दुर्घटना? युद्ध नियमों के पालन की बात करने वाले इसी अंगराज कर्ण ने अभिमन्यु वध में सबका साथ दिया था, तब वो भी पैदल ही था पार्थ, और इसी की भांति निहत्था भी था। करे स्वागत।